सर गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। और आप लोग ठीक हैं सभी? अच्छा, सर। और आप सुनाएं, बाकी हाल चाल, घर परिवार में सब ठीक हैं? गोपाल भाई नमस्कार। गोपाल सर नमस्कार, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैंने बोल दिया सर। रास्ते में है? रास्ते में है? नहीं सर, घर पर ही है सर। अच्छा, घर पे ही है। क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट हो गया था वो वाला? नहीं, हाँ सर, वो हो गया था सर। उसमें क्या दिक्कत लग रही थी आपको? सर मुझे ना यही दिक्कत लग रही थी कि बीबीटी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को तो एक्सप्लेन करती नहीं है। हाँ, तो यही उसमें प्रॉब्लम लग रही थी। ये सर मिसप्रिंटिंग एग्जाम में वही आया थी, हुआ था हम समझ चुके थे, हम समझ गए थे कि ये बीएससी के पेपर में आया हुआ है। और सर बच्चों ने वो ना गलत किया है क्वेश्चन, हमने बाद में पूछा था और हमने तो बताया था भाई इसमें मिसप्रिंट था, नहीं तो इसे तो लेकिन अब अटेम्प्ट बता भी करके नहीं सकते थे तो बच्चों को। नहीं, ये तो बच्चों को अटेम्प्ट सर करना ही चाहिए था। नहीं किया तो था उन्होंने, लेकिन वो जो है गलत करके आ गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 लगाया है वो। अच्छा, लगा दिया वो, आई सी। ओके नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो इसमें मिलेगा मिलेगा, उसका कारण ही गलती बच्चों की नहीं, नंबर तो सर, मिलना चाहिए। इधर बीएससी वॉइस की तो रिकॉर्ड जी, अच्छा रूम रूम में सर वॉइस रिकॉर्डर भी थे और दो दो कैमरे भी थे, तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते थे वहां पे। नहीं, वो सर आपने कहा नहीं ठीक किया, लेकिन मुझे लग रहा है जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन ये सॉल्व किया होगा, गलत या सही, ये नंबर सबको दिया जाएगा, जहां तक मुझे आइडिया है। हमने भी यही बताया बच्चों को, मैंने कहा ये यूनिवर्सिटी का फॉल्ट नहीं, है। नंबर सर मिलेगा, आपने बताया नहीं मिलेगा, ये प्रिंट है और ये बुक। जी सर, नहीं सर मैं क्या उनको देखा एक बार, नहीं नहीं देखा, ईमानदारी उनके पलटे नहीं पलटे, मींस पीडीएफ चेक नहीं किया, केवल अभी सोच रहे कि आज देखेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं। जी बताइए पूनम जी, रिम जी बढ़िया, कुछ ना कुछ सोम हेलो सर, गोपाल सर, मेरी आपकी आवाज आवाज बल्कि नहीं आ रही मैडम, मेरे को। सर अच्छा आपकी मैडम वॉइस वो ऐसा नहीं है। बफरिंग कर रही है काफी। अच्छा, बफरिंग तो नहीं, अब देखिए एक बार मैं रिफ्रेश कर लूंगा अगर ऐसा कुछ है तो। जी सर, अब क्लियर है सर। चलिए ठीक ठीक है जी, मैं ये बोल रहा था बलप्रीत मैडम कि आपने हाँ जी पीडीएफ सर, चेक की थी आज, हाँ जी सर, हाँ जी सर, सिर्फ चेक ईमानदारी थी, से। मैंने वैसे पढ़ नहीं पाई, मैं अभी सिर्फ मैंने देखा भी तो कि मैडम हाँ यही चेक पूछा, किया। मैंने भी तो यही पूछा चेक हाँ की जी, थी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ये वाली देखिएगा, एक-एक मैं आपको थोड़ा सा मौका दे रहा हूं, सही जवाब का इंतजार करूंगा आपके, जल्दीबाजी ना करिएगा और आवाज को ओवरलैप ना करिएगा, दो चीजों का ख्याल रखते हुए आप लोग थोड़ा सा काम करिएगा आज। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आंसर आप बताएंगे। इन द गैस इक्वेशन पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट डिपेंड्स अपॉन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करती है? चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों पढ़िए और मुझे बताइए। बोलिएगा। हेलो। राजेश सर हैं क्या लाइन पर? डी है, डी ऑप्शन सर मेरे हिसाब से। राजेश सर डी बोल रहे हैं? मैं सर हाँ डी जी सर, होगा। जी, ठीक है सर। तो यानी कि ये यूनिट, द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट को एक्सप्लेन करेगा, ये बात बिल्कुल आपने सही बोली कि ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, बाकी तो इन इन चीजों से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर इसका सर डी ही है, आपने सही बिल्कुल बोला है।
दूसरा क्वेश्चन पे जरा सर जाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा ये दूसरा वाला, इसको भी सर बोलिएगा। बाकी लोगों को राजेश सर मौका दीजिएगा, गोपाल सर अगर आता है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारे छोटे भाई बहन है उनको भी मौका जरूर दीजिएगा जी। व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, नो कूलिंग टेक्स, कूलिंग नहीं होती है, क्यों नहीं होती, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए सभी लोग थोड़ा बोला करें, ये नहीं कि ग्रुप इस बैच में कोई केवल दो ही तीन लोग ऐसे हैं। ए हो सकता है क्या सर, ए ऑप्शन? पारुल, पारुल मैडम, पारुल जी बोल रहे हैं। नो सर, पूनम कुशवा, पूनम कुशवा, पूनम जी, एक्सर्ट नो अट्रैक्टिव फोर्स, हाँ, फोर्सेस ऑन ईच अदर, बिल्कुल आपने सही बात बताई है। कि कहने का मतलब है कि आइडियल गैसेस तो कुछ होती ही नहीं है, दीज आर द हाइपोथेटिकल, और इनमें कूलिंग होगी जब गैसेस मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि ये तो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। तो व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन करेंगे तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब है कूलिंग भी नहीं होगी, सिंपल सी बात है, आपने सही। और यहाँ पर एक चीज जो है, जो अट्रैक्शन फोर्स है एनर्जी से भी आप इसको बता सकते हैं, सिंपल सी बात यह है कि मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए किसी भी एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, नो नीड, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस इज, बलप्रीत मैडम ये आप पे छोड़ता हूँ क्वेश्चन, बाकी लोग शांत रहिएगा प्लीज। मैडम से पूछ रहा हूँ कि इसमें वैल्यू क्या आएगी, जूल थॉमसन कोफिशिएंट आइडियल गैस के लिए कितना हो, ये एक सिंपल सी बात है। जीरो, इसकी वैल्यू जीरो रहती है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस के लिए। रियल गैसेस के लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, ये बात आपको, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। राजेश सर, राजेश सर आप पर पहुंच रहा हूं मैं, बोलूं सर, गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स, जी बताएं सर, फोर्थ क्वेश्चन बताइए सर, शायद इधर उधर हो गए हैं कहीं। चलिए बाकी लोग, कविता मैडम है इसमें क्या, आ जाइए। हाँ सर, कोई नहीं कोई नहीं, मैं स्क्रीन दिखाता हूँ आपको जी। क्या करने आई हो सर, है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ये हो सकता है बी वाले, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, हो सकता है या जी सर, है Gases deviate from the ideal gas behavior because their molecules have force of attraction between them. बिल्कुल आपने सही बात बोली है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो real gases होती हैं, अगर ideal होती तो no force of attraction, अभी आपने ऊपर वाला को हमें लग रहा है कि उससे इसको compare किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपने इससे पहले वाले question में पढ़ा था, पहले नहीं पढ़ा था, ये पहले पढ़ा था, जी, अच्छा सही जवाब है आपका। फिफ्थ वाला गोपाल सर आप बताइएगा, फिफ्थ वाला गोपाल सर आप बताइएगा, सभी से पूछूंगा एक एक क्वेश्चन, गोपाल सर बताएं फिफ्थ वाला, वैंडरवाल गैस इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ, बहुत सरल सरल क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया सर। सर सी को करेंगे सर, सी को करेंगे सर, एक बार पढ़ लिए सर, पढ़िए सर एक बार, वैंडरवाल इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ, ये बी है सर, बी सर रियल गैस को करेंगे, बी करेंगे ना सर, हाँ सर, क्योंकि रियल को ही एक्सप्लेन करता ही है, सिंपल सी बात ये है जी, जी, जी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, व्हिच सेट ऑफ द कंडीशंस रिप्रेजेंट द इजीएस्ट वे टू लिक्विफाई अ गैस, रुक जाइएगा, बोलिएगा नहीं सर प्लीज, एक दो लोग और हैं उनको भी मैं समय दे दूं, थोड़ा सा नहीं कहेंगे सर पता नहीं मुझसे क्यों नहीं पूछते हैं, सोमी जी, विदुषी जी, धर्मेंद्र जी, तीनों में से जिसे आता हो बोलिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स सर, लो टेम्परेचर, विच सेट ऑफ द कंडीशंस रिप्रेजेंट द इजियर वे टू, आपको पता है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज नेसेसरी, है ना, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज नेसेसरी टू, पता होगा आपको, लिक्विफाई द गैस, ठीक है सही है सही है। सेवेंथ क्वेश्चन के लिए दूसरे के लिए छोड़िएगा,
सेवेंथ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। विदुषी मैडम आप बताइए, आपने अभी कौन बोला था? सर सोमी। सोमी विदुषी जी आप बताइएगा। एन आइडियल गैस एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑन एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं जवाब देने का मूड। चलिए जागृति, जागृति जी, जागृति जी बोलिए। बहुत नॉइज हो रहा है, इसका करेक्ट आंसर है? रुक जाइए, नॉइज तो नॉइज मैडम प्लीज, जिसका माइक ऑन हो या ऑफ हो, सृष्टि मैडम प्लीज ऑफ कर लीजिएगा जी। ठीक है बताइए, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स अकॉर्डिंग टू पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑन एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। क्या लगाऊं ऑप्शन मैडम? सर मुझे लग रहा है विल रिमेंस कॉन्स्टेंट होगा। क्या विल रिमेंस कॉन्स्टेंट लग रहा है या लगा दूं? लगा दीजिए, मुझे तो यही लग रहा है सर। चलिए आप एक करोड़ की आप मालिक हो गई, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए ठीक है सर, अब बाकी ये एट क्वेश्चन पढ़िएगा। एट क्वेश्चन सर, सर जी, हाँ सर जी जी, हेलो। हाँ हाँ जी मैडम, सर इसको जरा आप एक्सप्लेन करेंगे क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन, बिल्कुल ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन, बिल्कुल करेंगे मैडम, आपने कहा है, आदेश दिया है तो बिल्कुल करेंगे। नहीं सर रिक्वेस्ट है। अरे नहीं, एन आइडियल गैस एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब आपको पता है कि पीवी यानी प्रेशर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है आइडियल गैस में। कॉन्स्टेंट मतलब एनआरटी, एन का नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, और आर भी कॉन्स्टेंट रहता है, वो सब चीजें कॉन्स्टेंट कर दी उन्होंने आइडियल गैस। अब ये बताइए कि अगर ऑन एक्सपेंशन जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये टेम्परेचर ऑफ द गैस, आइडियल गैस में जब मॉलिक्यूल है ही नहीं, ठीक, और ऊपर से वो ऑलरेडी कह चुका है कि टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, तो टेम्परेचर उसने कॉन्स्टेंट बता ही दिया। मेरा यहाँ पर देखिए, जहां पर ये हैंड बन के आ रहा है, टेम्परेचर ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है ही, तो इसका मतलब है क्या उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज होगा? अगर गैस को एक्सपेंड और वो करें तो क्या टेम्परेचर में चेंज होगा? नहीं होगा। कारण क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड टू, यानी कि उनके बीच में कोई एनर्जी भी नहीं है जो मॉलिक्यूल एक्सपेंड करने में अपनी खर्च कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह जाता है। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर अभी ऊपर भी लिया था, इसी कैटेगरी का था कि जहां पर कूलिंग नहीं हो पा रही थी। मैडम समझ रही मेरी बात में? हेलो कूलिंग तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा जी सर, समझ में आ गया है। ठीक है, एट क्वेश्चन, विच गैस इज हाइड्रोलाइज्ड फ्रॉम HCl एंड अल्टीमेटली ये तो कोई भी बता देगा, ये तो कोई भी बता देगा। बताइए SO2 है क्या सर? सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोलाइज इन HCl है एंड अल्टीमेटली लीड्स टू सफोकेशन। सर डी होना चाहिए, COCl2 या फिर SO2 ही नहीं। COCl2 definite। रुक जाइए, ठीक है ठीक। गोपाल सर, राजेश सर, तीन गैस है सर। सर इक्वेशन बताइएगा, इक्वेशन बताइएगा सर। H2CO3 plus HCl बनेगा क्या सर? नहीं सर, इक्वेशन नहीं याद है सर अभी। नहीं इक्वेशन नहीं याद है, चलिए मैं इक्वेशन आपको बता दे रहा हूँ कि अगर ये आपको गैस जो आपको दिखाई दे रही है सर, फॉस्जीन है फॉस्फीन है, इतना बोलिएगा सर। दिस इज फॉस्जीन। अगर इसको हम लोग, माइक प्लीज ऑफ कर लीजिएगा, थोड़ा सा शोर आ रहा है, बच्चे हैं सर। COCl2 मैंने लिया यहाँ पर और COCl2 वाटर से रिएक्शन करा दिया, मॉइस्चर विच गैस टू फॉर्म HCl, HCl बनना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ HCl बना ही देता हूँ, मैं यहाँ पर दो HCl बना देता हूँ। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये CO2 बन गई सर, CO2 बन
तो अब जब CO2 यहाँ पर जब CO2 बन चुकी है तो यानी कि बढ़ेगा लंग्स के अंदर, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफोकेशन, दिस इज द रीजन, एग्जैक्ट रीजन इसका आपके सामने आ गया है, ये चीज है, मतलब दम घुटने का मतलब वही हो गया। अब नाइन पे आ जाइएगा, नाइन क्वेश्चन पढ़िएगा, नाइन वाला एवोगैड्रोस लॉ फाइंड द एप्लीकेशन द डिटरमिनेशन ऑफ, बोलिए। अब ऐसे मेरे साथ तो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको लगेगा नहीं आज हमने कुछ एप्लीकेशन इन द डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट भी होगा, एटॉमिसिटी भी होगी, सही है, डी मोल्स की बात है सर, ए भी तो लग रहा है तो डी हो जाएगा सी का है, मॉलिक्यूलर ऑफ द गैसेस ये भी सही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सर्टेन गैसेस कंपाउंड का, चलिए थैंक यू वेरी मच, आपने आंसर लगता है कि मुझे सही, मैं भी एक बार और रिपीट कर लूं, एटॉमिसिटी मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सर्टेन गैसेस कंपाउंड, फार्मूला पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नाइन्थ वाले क्वेश्चन को डी में लगा दे, तो हाइपोथेसिस में है ठीक है, डेफिनेट। चलिए सर, बाकी लोग भी अपना क्लू देते रहे बाय चांस मुझसे के मैं आंसर, अजी कुछ बोलना चाह रहा था कोई रुक गया। चलिए टेंथ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस लॉस द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज गिवन बाय, ये तो यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, टेंथ वाला बताइएगा, मोलर वॉल्यूम इज गिवन बाय, टेंथ वाला बोले कोई लोग, अब आपको ऑप्शन दे दिया, कोई लोग बोलिए, बाकी लोग भी यार जगा दूं जरा एक बार मैं इन लोगों को, आप लोग शांत रहिएगा इन्हें जगा देता हूं, जैसे रिमझिम जी जग जाइए थोड़ी सी, रिमझिम शर्मा जी, आलोक कुमार गुप्ता जी, अभिषेक कुमार मैडम, थोड़ा सा अगर आप हाँ हूँ करते रहेंगे तो हम समझेंगे कि हम जिंदा हैं, आप भी जिंदा हैं। जी बोले सर 22.4, एक बार मैडम रिपीट करिए क्वेश्चन, पढ़िए एक बार पढ़िए, the molar volume of gas given by VPV equals to nRT। मैडम मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर ये बात पकड़ जाएंगे तो समझ जाएंगे आपने क्वेश्चन पकड़ लिया, मोलर वॉल्यूम को अच्छा, करिए मतलब मोल से, हाँ मोल से रिलेटेड हो गया, यानी कि वन मोल हो जाएगा, और जब मोल हो जाएगा तो PV is equal to क्या हो गया मैडम, NRT हो गया, तो ये हाँ तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, NRT by NRT by P और N का वन हटा दीजिए, तो फिर आंसर क्या आना चाहिए सर, बी वाला आरडी अपॉन पी, ठीक है। चलिए वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 11th वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, गैलेरियस लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम डेराइव्ड है, डेराइव फ्रॉम, बोलिए सर, सी रहेगा, सी रहेगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका सर, बस इतना बता दीजिए कैसे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जवाब आपका सही है, सी ही है, कैसे, देखिए ये तो हटा ही दीजिए दोनों, क्योंकि ये खुद लॉ है ना, ये तो खुद ही लॉ है, और आपने बोला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से गेलुसेक लॉ डराइव हुआ है, गोपाल सर आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में, कोई लाइन एक बोलेंगे सर इसके बारे में, नहीं बोलेंगे कुछ तो बोले सर, मैं कुछ कहूँ सर, बोलिए कहिए बिल्कुल सर, क्योंकि गैलेसक लॉ में क्या होता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऐसे भी हो सकता है कि जैसे अब समर है टेम्परेचर ज्यादा होता है तो प्रेशर टायर्स का बढ़ जाता है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दिया गया है। देखिए क्या है कि मैडम ने बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब दिया है कि जैसे गैस मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में रखे, मैडम ने टायर का एग्जांपल लिया, वेरी गुड, ये कंटेनर शुरू करें, इसे हिलाना शुरू कर दें, ये टकराएं एक दूसरे की दीवार से, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, मीन्स एनर्जी, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, सही आपने एग्जाम्पल बढ़िया दिया, ये मुझे अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। 12 एडियाबेटिक डी टेक्निक यूज्ड फॉर, 12 वाला सर बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एडियाबेटिक डी मैग्नेटाइजेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं इसे मानता हूं, आप बताएंगे इसका जवाब क्या होगा सर, कोई बताएगा,
सर बी होगा। बी क्या है सर? बी प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। सर कैसे बताएं, थोड़ा सा बताइए। बी है ऑप्शन, आपने बोला ठीक है, बोलिए। सर बी ऑप्शन आपने बोला, क्यों बोला सर? बी बी ही क्यों बोला, मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये डीमैग्नेटाइजेशन जानते हैं सर? एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन जानते हैं सर? नहीं बोल पा रहे सर। सर कोई लोग बोले एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन मिल जाए सर। ज्योति जी, राजेश जी, सृष्टि जी, धर्मेंद्र भाई, कोई भी बोले। सोमी में सर मेरे को नहीं पता इसका मीनिंग, बताइए। नहीं पता, राजेश सर, गोपाल सर, आपको हो सकता है पता हो। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, किसी को मैग्नेटिक फील्ड से हटा देना। नहीं सर, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब सर कूलिंग होता है। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब सर कूलिंग होता है, किसी भी चीज को कूलिंग ऑफ द गैस बोले, कूलिंग ऑफ द गैस बोले। यहाँ वर्ड जो है आपको क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड से जोड़ दिया इसने आपको, लेकिन एडियाबेटिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है, हालांकि वहां मैग्नेट का तो यूज होगा, लेकिन वो मैग्नेट से जो प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड कूलिंग ऑफ द गैस। अब कूलिंग ऑफ द गैस का जो रिलेशन नीचे कहीं हमें मिल रहा है, वो केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। इस टर्म को सर ध्यान रखिएगा कि ये टर्म आपको कंफ्यूज करेगा, फिजिक्स में ले जाएगा, थोड़ा सा आपको थर्मोडायनेमिक्स से हटाएगा, ये टर्म आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में एंटर कराने की कोशिश करेगा, इसलिए सर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वर्ड ही यूज इसीलिए किया गया कि आप कंफ्यूज हो। बोलिएगा सर, विच गैस व्हेन पास थ्रू द डाइल्यूट ब्लड विल इम्पेयरी रेड कलर टू द सॉल्यूशन। बोले सर CO2 है, क्योंकि कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बन जाता है तो वो चेरी रेड कलर देगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सर लगा है, बी लगा है। CO होना चाहिए, CO। हाँ लगाना ऑप्शन, ठीक है ना मैडम। अच्छा क्वेश्चन है, तीन पे आइएगा। टेम्परेचर एट विच द सेकंड वायर गैसेस इज जीरो इज कॉल्ड, बताइएगा। एक टेम्परेचर पढ़ा होगा आपने, टेम्परेचर एक पढ़ा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। नहीं मैडम, एक टेम्परेचर पढ़ा होगा। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे। व्हाट इज बॉयल टेम्परेचर, कोई लोग बताइए बॉयल टेम्परेचर क्या होता है। बोला करिए, थोड़ा सा गलत ही बोलिए, बोल दीजिए एक बार। गोपाल सर बोलिए, अब नाम के बोलना पड़ रहा है मुझे। सर बॉयल टेम्परेचर सब नहीं जानकारी है सर। और देखें कि द टेम्परेचर ऑफ विच अ गैस बिहेव एज ए, आपने सुना होगा रियल गैस जो होती है, यानी कि कंडीशंस जब होती है बॉयल टेम्परेचर की, तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करने लगे, तो वो टेम्परेचर जब मैं पूछता हूँ। मैंने आपको हिंट तो दे दिया है। राजेश सर आप बोलिए, आप बोल लेंगे मुझे लगता है। हरिओम जी बोले। राजेश सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? यूटेक्टिक बोलना, बी ऑप्शन। यूटेक्टिक तो नहीं है, है तो वाइल्ड टेम्परेचर ही डेफिनेट है सर। द टेम्परेचर एट विच, ये वाला द टेम्परेचर एट विच द सेकेंड, ठीक है, वेरिएंट वाला है ये, वायरियल कोफिशियंट डेफिनेशन दे रखी है, रियल गैस इज सर ये बॉयल टेम्परेचर ही है ये। मतलब मैंने बोली भी डेफिनेशन अभी, जब कोई रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करने लगे, है ना, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। सर ये सेकेंड वेरिएंट कोफिशियंट मतलब
यानी सेकेंड वेरियल, हाँ ठीक ठीक कोई बात नहीं, दैट टेम्परेचर एट द सेकेंड वेरियल जो कोफिशियंट होता है, इसका मतलब होगा कि आपने एक, अगर हम ऐसे बोलें कि जहां पर कंप्रेशन फैक्टर आपने जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन ये वाला जो फैक्टर पढ़ा होगा पी वी अपॉन आर टी जब पढ़ा था, तो ये वैल्यू जब फिक्स हो जाएगी, जब ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी ये रियल, तो उस समय क्या होगा, ये वैल्यू अगर जीरो आ जाती, ये वैल्यू अगर जीरो आ जाती, तो आप उस गैस को क्या बोलते थे, आइडियल बोलते थे। अगर ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू वन हो जाए या इससे ज्यादा या कम हो जाए, तो उस समय गैस कैसी रह जाती थी, रियल गैस। तो वो खुद बोल रहा है कि ये वैल्यू जेड की जो वैल्यू है वो उस समय जीरो चल रही, तो जीरो का मतलब क्या हुआ कि हम लोग फिर आइडियल गैस जैसी कंडीशन करेंगे, तो फिर ठीक है सर। जी 15 वाला बोलिएगा सर, इन द वेंडर वॉल इक्वेशन आइडियल गैस रियल गैस के जैसा बिहेवियर करेगी, आइडियल नहीं रियल गैस, रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेवियर करेगी। जी 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 जी, उल्टा रियल आइडियल रियल नहीं हो पाएगी, इस बात ध्यान रखिएगा। यस हां, इसके बाद इन द वेंडर वॉल गैस इक्वेशन द कांस्टेंट ए एंड बी, ये तो बहुत, ये तो कोई बता देगा, बोलिएगा 15 वाला बोलिए, 15 वाला बोलिए, इन द वैन डर वाल गैस इक्वेशन द कांस्टेंट ए एंड बी विद टेम्परेचर शोज विच ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड शो करेगा, बी सर, डी बी बी या बी 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 फॉर बॉल शायद, यानी ए रिमेन सेम बी वेरीज, ए सेम रहेगा बी वेरी करेगा, ये आपका कहना है। फिर एक बार सर सी पढ़िएगा, सर सी हो सकता है क्योंकि ए जो है वो जो लिक्विफिएबल गैस होती है, मतलब जिनका ए ज्यादा होता है वो लिक्विफाई हो जाती है, अगर इस बेसिस पे देखें तो फिर टेम्परेचर पर डिपेंडेंट तो यही होगी। मैं मैडम आपको यहाँ इक्वेशन लिखे दे रहा हूँ, पी प्लस स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में वी एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है सर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो ये बताइए कि 15, हाँ 15, देखिए 15 का, 15 का डी होना सर, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर ए बदलेगा तो फिर ये बदलेगा, बी बदलेगा तो डेफिनेटली है कि ये वाला वॉल्यूम भी बदलेगा। तो सब बात ये है कि अगर आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों चीजें वेरी, इक्वेशन द कांस्टेंट ए एंड बी विद द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो दोनों पर इफेक्ट आएगा, क्योंकि सभी के सामने ये दोनों चीजें टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, ये चीज ध्यान रखना। सर भीड़ लग रही थी, क्या हुआ सर, गोपाल सर कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, कुछ आपकी रुक के आ रही है आवाज। हेलो, अच्छा वॉइस गड़बड़ा रही है, देखिए वॉइस अब तो नहीं गड़बड़ा रही। हाँ हाँ बोले, ए ए एक्चुअली ए मेजर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करता है, और टेंपरेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो ए तो चेंज हो गई होगा, और वी वॉल्यूम को मेजर करता है, वॉल्यूम को, और टेंपरेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, बी भी चेंज होगा। नहीं नहीं ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि बोथ डिपेंड्स ऑन द टेंपरेचर, दो आपने उसको एक्सप्लेन किया, ठीक किया एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन आपका अच्छा है, यानी कि दोनों टेम्परेचर पर ही डिपेंडेंट है, इसका मतलब दोनों वेरी करेंगे टेम्परेचर के साथ में, तो ऑप्शन हम लोगों को क्या सर लगाना चाहिए, इसमें डी लगाना चाहिए था। चलिए 16 पे आइए सर, 16 पे आइए, गेलुसेक लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम इज एप्लीकेबल फॉर दोज गैसेज विच ऑन मिक्सिंग, बोलिए विच ऑन मिक्सिंग, ए ऑप्शन, ए बोल रही हैं, अच्छा ठीक है, अब दूसरे लोगों को बोलने ले दीजिए सर, बी लग रहा है, बी लग रहा है सर, मैडम ने ए बोला, उन्होंने अपने बोला कि ये रिएक्शन नहीं करेंगे, आपने बोला रिएक्शन करवा आपने, तो अब आप दोनों लोग अपने अपने विचारों को एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा थोड़ा सा। सर गैसियस ऑफ सिमिलर सर होते हैं सर, टेम्परेचर और प्रेशर सर दोनों, जब हम लोग गेलुसेक लॉ पढ़ते तो आपने ये भी इक्वेशन भी पढ़ी होगी शायद, H2 प्लस Cl2 बहुत कॉमन इक्वेशन दी, इस लॉ को समझाने के लिए का हमने जो वॉल्यूम यूज किया वो कितना वॉल्यूम यूज किया, इसका एक वॉल्यूम यूज किया, इसका एक वॉल्यूम, तब हमें दो वॉल्यूम मिला। तो मैडम ये बताइए दोनों रिएक्शन कर रही हैं,
हेलो सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा आवाज गड़बड़ा रही। आ रही बोले सर सर। कोई बलप्रीत मैडम मेरी वॉइस आप तक आ रही नहीं। हाँ हाँ जी जी सर। मैडम शायद आपके पास इसलिए नहीं पहुंच रही आवाज। आप एक बार अपना मोबाइल रिफ्रेश आ जाएगी वॉइस क्योंकि बाकी लोगों के पास जा रही है। जिन्होंने बोला था इसका आंसर आप भी बोल दीजिए। कोई लोग टाइम इस पे ना लगाइए ज्यादा। गेलू सेकल ऑफ कम एप्लीकेबल फॉर दोज गैसेस विच आर ऑन मिक्सिंग। सर रिएक्टिव डी होगा होगा सर। डी डी होगा ना डी ऑप्शन तो नहीं डी ऑप्शन सर बी। डी तो इसलिए नहीं हो सकता कि सर हम दो नोड रिएक्ट का तो चांस ही नहीं है सर। इसमें आपने पढ़ा तो बी सर बी रख लीजिए। दोनों गैसेस रिएक्ट करती हैं बी करती ना। रिएक्शन में हम लोग इसी इक्वेशन से ही बच्चों को अधिकतर समझाते भी हैं। ये थोड़ा लग रहा है कि इमेज जो है गड़बड़ा गई। ये पढ़ नहीं पाएंगे आप लोग। चलिए इस क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है नॉर्मल। ये इमेज थोड़ी डिस्टर्ब हो गई क्योंकि आपकी आंखें भी जो है गड़बड़ा रही होंगी इसे देखने के बाद। अगर मैं इसे छोटा करूँ तो क्या पॉसिबल है? यहाँ तक पॉसिबल है। ये स्कैन नहीं सही से हो गई है। स्कैन सही से नहीं हुई। ये देखिए कोशिश करिए पढ़ पाए तो, ना पढ़ पाए तो आंखों पे लोड ना डालिए। 70 वाला पढ़िएगा सर अगर पढ़ पाए तो। बलप्रीत मैडम पढ़ पाए स्क्रीन इसे? से हाँ ल्यूकिफेक्शन बिहेवियर ऑफ द टेम्परे गड़बड़ी जी नहीं चेक दिख रहा है नहीं दिख सर, रहा है कुछ ना? दिख नहीं रहा नहीं है। दिख रहा है। हाँ ब्लैक ब्लैक आ गया। ये एक सेकंड डिस्टर्ब दिख रही होगी आपको शायद। हाँ क्यों जी सर सर ब्लर हो रही है। ब्लर हो रही है सर। ब्लर हो रही है ना? तो हाँ ब्लर हो रही है स्क्रीन। अगर कहीं पर मुझे कुछ क्वेश्चंस दिख जाते हैं तो जरा आपसे बात कर लेते हैं। नीचे क्वेश्चंस ऊपर वाला लग रहा है कि स्कैन करते समय डिस्टर्ब हो गया है। जरा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा मैडम। 23 देख लीजिए आपको दिख जाएगा। 23 दिख जाएगा और 21 भी दिख जाएगा। ये देख सर 23 रहे का ना? सी होगा। 22 का सी। एक मिनट 21 से शुरुआत करिए। 21 से 21 ए को कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब्स अमोनिया को फॉस्फीन को अच्छा वो लोग H2S को भी ऑल ऑफ द अबव। जब अगर ये अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो डेफिनेट कॉपर टेट्रामीन की क्रिस्टल्स है। बनेंगे। तो सभी को करेगा। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा। सिंपल सी बात है। जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कंपाउंड बनाएगा। नाम बताइएगा सर। नाम बोलिएगा सर। हेलो हेलो सर नाम बोलिएगा। हाँ हेलो जी सर बोले आपकी वॉइस आ रही है। 22 सर पूछ रहे हैं। 22 जी 21 पूछ रहा था सर। 21 21 का कंफर्म नहीं है सर। एनएसटी के साथ तो करेगा रिएक्शन आगे ये मुझे कंफर्म हाँ नहीं है। करेगा। आपने इस रिड्यूसिंग फैक्टर एक्सप्लेन किया होगा। तो डी होना चाहिए सर इसका। इसमें सर डी डी डेफिनेट सर डी ही होगा। सभी से रिएक्शन कर जाए। कॉपर का आपने नाइट्राइड कंपाउंड भी पढ़ा होगा। कॉपर का सल्फाइड भी पढ़ा होगा। सल्फाइड भी पढ़ा होगा। याद करिए आप अपने दिन द आर्टिस्ट एंटिटी कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम
सर आवाज सही नहीं आ रही है। डी होगा सर इसका डी। आवाज आवाज को नहीं सही आ रही, सब कंफर्म कर लूं। आवाज की दिक्कत बोल रहे हैं लोग। धर्मेंद्र जी आप बोल रहे हैं? धर्मेंद्र जी आप बोल रहे हैं? सर सुषमा आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही है। सुषमा मैडम जी 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 आ रही सर। ठीक है मैडम, हो सकता है आपके नेटवर्क में दिक्कत हुआ। बस नेटवर्क मुझे भी नहीं आ रही थी यार। अच्छा तो बढ़ो मैडम क्वेश्चन। गोपाल से तुम्हें कई साल बोल दिए सर, मैं आगे बढ़ूं फिर। 22 डी रुक जाए सर, मैं रिफ्रेश कर लूं। मैं आप रिफ्रेश कर लूं। रिफ्रेश कर सकता है, कोई कनेक्ट रहेगा तो मिट जाएगा। 22 बोलिएगा सर, 22। जी राजेश सर बोल रहे हैं। डी ऑप्शन डी है मुझे लग रहा है। गोपाल जी बल्कि डी डी नहीं डी ठीक आपने सोचा सही नहीं, आपने डी बोला है तो ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आवाज आवाज भी नहीं आ रही सर। मैं गोपाल सर रुक जाएगा, मैं आपको मैं एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अब देखिए सर स्क्रीन शेयर नहीं, अभी नहीं आ रहे सर, कुछ भी नहीं आ रहा अभी तो। ठीक है रुक जाइए, मैं एग्जिट करता हूँ उसके बाद जो